हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने होंडा सीवी 350 आरएस है जो कि आप डुअल टोन में देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और साथ साथ हम लोग इस रिव्यू में इस बाइक के प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशंस, ब्रेक्स, टायर्स, सस्पेंशन, हर एक कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके आप किसी भी बाइक को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक आपको वन रोड प्राइस 2,38,000 रुपीज़ रखा गया डुअल टोन कलर के लिए। इसमें आपको एक सिंगल टोन कलर भी देखने को मिलेगा, उसका प्राइस आपको 2,37,000 रुपीज रखा गया है। आप इस बाइक का की देख सकते हैं, दो की आपको कंपनी की तरफ से ही देखने को मिलेगा और नॉर्मल डिजाइन में इसमें की देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देखें तो होंडा का ब्रांडिंग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इग्निशन ऑन करते हैं और इग्निशन ऑन करने के बाद आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं। फ्रंट में आपको फुली LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा, दो पीस LED DRLs देखने को मिलेंगे जो कि ऊपर और नीचे दिया गया है। ये आपका लो बीम का ऑप्शन दिया गया है और साथ साथ इसमें आपको हाई बीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स आपको LED में ही देखने को मिलेंगे जो कि इनफ्लेक्सिबल दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और सस्पेंशन आपको टोटली कवर्ड दिया गया है जिस वजह से आपको सस्पेंशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किए हुए रह जाता है। इसका फ्रंट मडगार्ड देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइटली फिटेड रखा गया है और इसका आपको क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रे कलर का फिनिश दिया गया है। इस बाइक में आपको फ्रंट टायर आपको 190 सेक्शन का देखने को मिलेगा और 19 इंचेस का इसका अलॉय दिया गया है। अलॉय का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के मिल जाते हैं। फ्रंट डिस्क आपको 310 mm का दिया गया और दोनों ही चक्के में आपको ABS का ऑप्शन मिल जाएगा। निफिन का आपको ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाता है और दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है और दोनों ही टायर आपको MRF नैलो ग्रिप जेपर कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा। इस बाइक आप साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसका टैंक में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है और 3 लीटर का आपको रिजर्व कैपेसिटी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें तो 3D क्रोम में आपको होंडा का ब्रांडिंग किया गया क्रोम फिनिश के साथ और यहाँ पर आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है। इसका टैंक देख सकते जो कि आपको टोटली रोबस्ट मेटल का मिलता है और यहाँ पर आप इसका पेट्रोल नॉब देख सकते हैं जो कि आपको क्रोम इसमें मिलने वाला है। इस बाइक के सीट की ओर देखें तो आप इसका सीट देख सकते हैं, इधर आपको पैडेड सीट मिलता है राइडर के लिए और पिलियन के लिए आपको नॉर्मल सीट मिलते हैं और कुशन लेवल भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखे गए हैं और यहाँ पे आपको एक तो बेल्ट टाइप का दिया गया है। इसके साइड पैनल की ओर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CB350 RS का ब्रांडिंग किया गया 3D क्रोम फिनिश के साथ। इसके इंजन की ओर देखें तो आप इसका इंजन देख सकते हो जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में इंजन मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश दिया गया और यहाँ पे आप देख सकते हो होंडा का ब्रांडिंग किया गया है। इस बाइक का इंजन आपको 348.36 cc का इंजन यूज़ किया गया है जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 XI इंजन देखने को मिलेगा। एयर कूल्ड के साथ ही इस बाइक का इंजन आता है जो कि आपको 21.07 PS का पावर जनरेट करता है और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इस बाइक में आपको माइलेज अप्रोक्स 30-35 km/L का माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। इसका आपको टॉप स्पीड 150 km/h का इसमें टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। इसका वेट आपको 179 kg का वेट रखा गया। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 168 mm का देखने को मिलेगा। सीट हाइट आपको 800 mm का सीट हाइट दिया गया है। इस बाइक के रियर की तरफ देखें तो आप इसका रियर सस्पेंशन देख सकते हैं जो कि आपको हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलने वाला है और यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। इसका आप एग्जॉस्ट देखें जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा एग्जॉस्ट मिलता है और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश दिया गया है उसके एग्जॉस्ट में। वो आपका राइडर का फुटरेस्ट है, आपका पिलियन का फुटरेस्ट। इस बाइक में आपको रियर टायर आपको 150 सेक्शन का देखने को मिलेगा जो कि आपको 17 इंचज के अलॉय व्हील्स के साथ आ जाता है। इसका रियर डिस्क आपको 240 mm का मिलता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ABS का प्लेट यूज़ किया गया है। निफिन का आपको ब्रेक कैलिपर्स मिल जाता है। इसका रियर सेक्शन को देख सकते हैं, आपको LED में इसका टेल लाइट्स देखने को मिलेगा। इस साइड से देखें तो आपको सारी कार पहले से ही मिल जाता है और यहाँ पे साथ साथ आपको फाइबर पार्ट्स यूज़ किया गया है। ये आपका पिलियन का फुटेज और आपको राइडर का फुटेज। इस बाइक में भी आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर दिया गया है। इस साइड से भी देख सकते हैं CB350 RS का आपको ब्रांडिंग किया गया है। इसके मीटर कंसोल की ओर देखें तो आप इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं, आपको हाइनेस के जैसा ही देखने को मिलेगा और इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों ही देखने को मिलेगा। आपको टैकोमीटर टोटली एनालॉग में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको छोटा सा पार्ट आपको डिजिटल में दिया गया है और इधर देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन देखने को मिलेंगे जैसे कि आप ABS वार्निंग लाइट, न्यूट्रल इंडिकेशन, साइड स्टैंड इंडिकेशन दिया गया है, लो बीम आपको, हाई बीम का इंडिकेशन, आपको टेम्परेचर का इंडिकेशन दिया गया है और साथ साथ आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा देता है। डिजिटल में आपको क्लॉक दिखा देता है, डिजिटल में आपको फ्यूल गेज दिखा देता है, लो बैटरी इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएगा, लो फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का ऑप्शन मिल जाएगा और टॉर्क कंट्रोल सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्पटी का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियल टाइम माइलेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका की स्लॉट दिया गया है। इसका हैंडल बार में आप देख सकते हैं होंडा का ब्रांडिंग किया गया। स्विच गियर क्वालिटी की तरफ देखें तो स्विच गियर क्वालिटी आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे होंडा हाइनेस CB350 के जैसा। यह आपका लो बीम और यहाँ पर ही आपको हाई बीम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहीं पर आपको इंटीग्रेटेड पासिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखेगी और आपको टोटली ब्लैकआउट में मिलता है।
ये आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप सुन सकते हैं इसका लाउड। ये लेफ्ट टर्न और ये आपका राइट टर्न का स्विच, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, और यहाँ से आप इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं। वन टच में बाइक काफ़ी ज़्यादा इजीली स्टार्ट हो जाता है, इस साइड से इसका आप एग्जॉस्ट साउंड को सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा साउंड करता है, जिस वजह से इस बाइक को आपको राइड करने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मैंने कहा इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो आपको काफ़ी अच्छे से बताया होगा, जिस वजह से इस बाइक के रिलेटेड आपका हर एक कन्फ्यूजन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।